राजेश नेगी कहाँ से बिलोंग करते हैं और इनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? तो दोस्तों, आपको उत्तराखंड का सबसे अच्छा ब्लॉगर कौन लगता है? उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का मुझे सबसे बेहतरीन ब्लॉग था, मतलब पहाड़ी बाइकर आलोक राणा। अगर आने वाले फ्यूचर में आप मतलब यूट्यूब में काफ़ी अच्छा कर देते हैं, हाँ हाँ, और आपको अच्छी पहचान मिल जाती है, आप शहरों में रहना पसंद करोगे या गाँव में? अब हमारे घर से तो, और हाँ दोस्तों, आप लोगों को भैया जी के चैनल पे बता देते कि हमारे घर से एक नई ब्लॉगर आने वाली है, हमारी भाभी जी और शैलेश भाई, उन दोनों का एक चैनल आने वाला है जिसमें भविष्य बद्री कब आने वाले? भविष्य बद्री आएंगे हम, एक भविष्य बद्री में एक होता है, क्या होता है जब... नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में, और नए एपिसोड की शुरुआत एक नए मेहमान से, और आज हमारे साथ एक नए मेहमान जोशीमठ का जाना पहचाना चेहरा, और थैंग गांव को इन्होंने इतने अच्छे तरह से दर्शाया है ना, शायद ही कोई ब्लॉगर कोई यूट्यूबर उसको दर्शा सके। तो सबसे पहला इनसे जानेंगे कि इनका नाम, और मतलब थोड़ा बहुत तो मैंने बता दिया, पूरी तरीके से यही बताएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है राजेश नेगी और मेरे गांव का नाम है थैंग, जो कि पड़ता है जोशीमठ ब्लॉक में। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भैया का, जो इन्होंने मुझे अपने चैनल पर बुलाया और मुझसे कुछ जानने का प्रयत्न किया, तो मैं भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। तो दोस्तों, आज ये मेरा एपिसोड नंबर 2 होने वाला है, पहला एपिसोड आपने देख लिया है, तो दूसरा एपिसोड मेरा मेन मकसद जो था कि जो चमोली और जोशीमठ क्षेत्र के जितने भी ब्लॉगर हैं ना, उनको मतलब अपने चैनल पे आगे रखूं। बिल्कुल। और उसी के साथ आज राजेश भाई हमसे जुड़े, मुझे अच्छा लगा कि पहले ही फ़ोन में इन्होंने हाँ बोल दिया, नहीं तो कहीं लोग ऐसे होते ना कि उनको कॉल भी करो तो बोलते हैं मेरे को ये काम है वो काम है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है ना दोस्तों, हम लोगों को एक साथ आगे बढ़ना है, ना ही मैं बड़ा हूँ ना ही भैया बड़े हैं, अब ऐसा है कि सब स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो भी काम है, भैया जी जो बना रहे हैं, मैं जो बना रहा हूँ, दोनों के जो कॉन्टेंट है वो अलग अलग है, लेकिन हम लोगों को काम एक साथ करना है, आगे एक साथ बढ़ना है। अगर एक साथ हम लोगों ने काम नहीं करा तो ना ही भैया बढ़ पाएंगे ना हम बढ़ पाएंगे। तो ऐसा है कि सबका एक साथ सहयोग रहना बहुत ज़रूरी है, इसे कहते हैं ना एकता में बल है, तो रियल में एकता में बल है, जितना ज़्यादा हम एकजुट होकर के आगे बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा हमारी जो टीम है वो स्ट्रांग होती रहेगी, तो यही हमारा मकसद है। चलो, बातें तो होती रहेंगी, और कुछ इंटरव्यू समझ लो, इंटरव्यू टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं, और राजेश भाई आप कितने तैयार हो इसके लिए? वैसे तो हमने तैयारी बिल्कुल भी नहीं करी है, भैया जी ने हमको मैसेज करा, फ़ोन भी नहीं करा, मैसेज करा कि भाई हमको आपके साथ मीटअप वगैरह करना है, एक इंटरव्यू टाइप की वीडियो बनानी है, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम आज आ रहे, आज हमारा काम भी था, तो हमने कहा ये काम अगर आज ही हो जाए तो दोनों काम एक साथ हो जाए, तो अपने जो टाइम की बचत है वो भी हो जाए और वीडियो भी बन जाए। आप लोग ये मत सोचना कि क्वेश्चन मैंने पहले ही इनको बता रखे, बिल्कुल भी नहीं है, हमारी केवल मैसेज पे बात हुई, उसके बाद आज फ़ोन पे जाकर के बात हुई कि आज हमको यहाँ पे आना है, यहाँ पे हमारा इंटरव्यू वीडियो वगैरह होनी है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन रहा, यूट्यूब पर आना आपका कैसे हुआ? तो दोस्तों, सबसे मेन कारण तो यही है, तो सौरभ जोशी व्लॉग है, आपको पता है कि इंडिया के नंबर 1 जो व्लॉगर है इंडिया के, क्या आप तो मुझे लग रहा है कि पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े व्लॉगर बनने वाले हैं वो, तो मैं उनको बहुत पहले से फॉलो करता हूँ, वो उनका एक पहले आर्ट चैनल था, तो हमने उनसे आर्ट वगैरह सीखी, उस टाइम पर हमको व्लॉगिंग वगैरह कुछ पता नहीं था, और ना ही ये पता था कि सौरभ जोशी व्लॉग वगैरह कुछ बनाते हैं, ये पता था कि वो आर्ट बनाते हैं, और हमको बचपन से आर्ट में बहुत ज़्यादा शौक था, तो हमने धीरे धीरे उनसे आर्ट वगैरह सीखी, और धीरे धीरे हम उनके जो व्लॉग चैनल है वहाँ पर आ गए, तो उनके व्लॉग देखे धीरे धीरे पता लगा कि हम जो अपनी जो अपना जो कल्चर है वो हम लोगों तक पहुँचा सकते हैं अपने वीडियो के माध्यम से, और जो अपना कॉन्फिडेंस लेवल है, सबसे मेन तो ये यार, हम बचपन से एक ऐसे छात्र हैं, एक ऐसे बच्चे हैं जो हमेशा मतलब पढ़ाई में तो ठीक ठाक ही थे, लेकिन लोगों के सामने लोगों से किस तरह से बात करना है इस चीज़ में पीछे रहते थे, मतलब जो हमारा स्किल डेवलपमेंट था वो बिल्कुल जीरो था, तो समझ रहे हो आप धीरे धीरे हमारे दुर्गेश भाई उत्तराखंड ब्लॉग्स वाला, उनका भी चैनल है, उनको हमने देखा, और उस टाइम पे हम कॉलेज में थे, जिस टाइम पे मतलब मुझे लगता है शायद जोशीमठ से सबसे पहले ब्लॉगिंग की शुरुआत उन्होंने ही करी, मुझे लगता है हाँ, उत्तराखंड ब्लॉग वाला दुर्गेश भाई ने सबसे पहले मुझे लगता है कि ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग करी, तो वो वीडियो बना ही रहे थे, तो उनको देख करके हमको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला, आज मैं भैया जी के चैनल पर बोल रहा हूँ, उत्तराखंड ब्लॉग वाला दुर्गेश भाई को देख करके हमको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला, वो कॉलेज में जाते थे ना तो उधर वीडियोज़ वगैरह बनाते थे, उस टाइम पर हमको लगता था कि भाई भाई का जो फ्लो है बोलने का, भाई का जो वो है क्या
का जो डर है वो बिल्कुल दूर हो चुका है कॉलेज में इस तरह से वीडियो बनाते हुए, व्लॉग बनाते हुए। तो हमको लगा कि यार हमको भी करना चाहिए, अपना जो डर है कब तक हम इसको अंदर छिपाते रहेंगे। तो धीरे धीरे हमने भी ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करा और आज आप लोग देख ही रहेंगे कि 400 वीडियोज़ के आसपास हमारी यूट्यूब पे हो चुकी है। वैसे खासा सपोर्ट तो नहीं मिला है लेकिन उतनी वीडियोज़ हमारी हो चुकी है और अब मन तो करता है बनाने का, इसीलिए हम लोग बना भी रहे हैं। बाकी दुर्गेश भाई हमारे उत्तराखंड ब्लॉग्स वाला, उनकी ही वजह से आज हमने मेन तौर पे ब्लॉग स्टार्ट करा है। तो मेरा अगला क्वेश्चन रहा आपसे, राजेश नेगी कहाँ से बिलोंग करते हैं और इनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? तो दोस्तों हम सबसे पहले तो मध्यम वर्गीय फैमिली से, मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं। हमारे घर पे हमारे पापा जी हैं जो कि थोड़ा बहुत क्या मतलब कमाते हैं, उन्हीं की वजह से घर वगैरह चल रहा है। बाकी हम दो भाई हैं, एक बहन है, बहन की शादी हो चुकी है, घर पे माता जी है और दादी जी है। तो फिलहाल पापा के ही दम पे अभी घर चल रहा है। दोनों भाई अभी बेरोजगार है, कहीं से कमाई दमाई कुछ हो नहीं रही है। तो एक तरफ से थोड़ा बहुत अब ब्लॉगिंग का भी थोड़ा इस ब्लॉगिंग पे भी भरोसा है कि कभी इन फ्यूचर, अभी तो नहीं लेकिन इन फ्यूचर कभी थोड़ा बहुत अगर वहाँ से आता है। और बाकी हम थोड़ा बहुत अपनी जो आर्ट वगैरह है, पेंटिंग वगैरह है, उनसे भी थोड़ा बहुत अपना जेब खर्चा उसी से निकाल लेते हैं। बाकी हमारा 12th तो हो चुका है, कॉलेज वगैरह हो चुका है और अब देखते हैं धीरे धीरे आगे क्या होता है। वैसे तो अभी ज़्यादा कुछ सोचा नहीं है आगे के बारे में, तो फिलहाल तो अभी यही है। आपने पहले वीडियो कब बनाई और किसके साथ बनाई? ऐसा है कि जिस टाइम पे हमने पहली वीडियो बनाई थी उस टाइम पे हम इतने सक्षम नहीं थे कि हम किसी के सामने अपना वीडियो बना सके। तो हमने जो पहली वीडियो बनाई थी वो अपने बंद कमरे में, अपने रूम में और अकेले में बनाई थी। और जो पहली वीडियो बनाई थी ना वो हमने 3 मिनट के आसपास की बनाई थी, लेकिन उस वीडियो को बनाने में हमको 3 से 4 घंटे लग गए थे। तो पहला वीडियो बनाने में मतलब बहुत आफत आई थी यार, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस था। अलग फ़ोन को किस तरह से फेस करना है वो उस टाइम पे हमने बिल्कुल भी नहीं सीखा था, लेकिन हमने शायद वही वीडियो है, और सबसे मेन चीज़ मैं इंस्पिरेशन उसी वीडियो को बोलूँगा, वही वीडियो है जो हम आज हमको यहाँ पे यहाँ तक लेके आए। आपको उत्तराखंड का सबसे अच्छा ब्लॉगर कौन लगता है? उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का मुझे सबसे बेहतरीन ब्लॉगर लगता है पहाड़ी ब्लॉगर, मतलब पहाड़ी बाइकर आलोक राणा। वो इतने हार्ड वर्किंग पर्सन है ना, कसम से, मतलब यार उनकी वीडियो देख करके शायद बहुत सारे लोग जो व्लॉग नहीं बनाते होंगे वो तो ऐसी वीडियो देख करके जज कर लेंगे कि किस तरह से क्या कुछ है, लेकिन हम वीडियो बनाते हैं हमको पता है कि एक वीडियो को एडिट करने में और हल्के फुल्के सिनेमैटिक शॉट लेने में कितना हमको टाइम लगता है। लेकिन भैया जी की वीडियो में सिनेमैटिक वगैरह और मतलब पूरा मेहनत दिखता है यार, पूरा हार्डवर्क दिखता है, और जो उनकी सिंप्लिसिटी है, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ यार, बहुत बड़ा। तो आलोक राणा इज़ माई बेस्ट ब्लॉगर इन उत्तराखंड। अगर आने वाले फ्यूचर में आप मतलब यूट्यूब में काफ़ी अच्छा कर देते हैं, हाँ हाँ, और आपको अच्छी पहचान मिल जाती है, आप शहरों में रहना पसंद करोगे या गांव में? ऐसा है कि जो कुछ भी हो, चाहे हमारे पास नौकरी हो, नौकरी ना हो, यूट्यूब ना हो, हमको पहाड़ों में रहना है, पहाड़ों में काम करना है, जो कुछ करना है अपने पहाड़ों के लिए करना है। भले कुछ टाइम के लिए हो सकता है हमारे पास काम वगैरह ना हो, हम कहीं बोल ये ज़रूर नहीं है कि होगा, हो सकता है कि काम की खोज में हम थोड़ा सा इधर उधर कहीं निकल जाए, लेकिन आना हम लोगों ने घर ही पे है और जो कुछ करना है अपने पहाड़ों के लिए करना है। हम पूरे इन पहाड़ों के लिए समर्पित हैं, इनके अलावा और हम कहीं नहीं जा सकते हैं, बस। आपकी फर्स्ट पेमेंट कब आने वाली है? फर्स्ट पेमेंट का बता नहीं सकते दोस्तों, वैसे आज मैंने सुबह भी देखी है वीडियो फर्स्ट पेमेंट को लेकर। वैसे फर्स्ट पेमेंट ज़्यादा दूर नहीं है आप लोगों का, अगर थोड़ा सा बढ़िया और सपोर्ट रहता है तो हो सकता है कि 1 महीने के अंदर आ जाए, तो आप लोगों पे भरोसा है। बाकी चलो राजेश भाई ने बता दिया कि 1 महीने के अंदर फर्स्ट पेमेंट आने वाली है, चलिए एक खुशखबरी है। आपने पढ़ाई करी गोपेश्वर से, हाँ हाँ, तो फिर भी आपके मन में जब आप गोपेश्वर पढ़ाई के लिए, तो आपके मन में ये ख्याल कहाँ से आ गया कि मैं ब्लॉगर ही बनूँ और कुछ ना करूँ? अब जिस टाइम पर हम कॉलेज, वैसे हमने स्कूल तो अपना यहीं करा है, 12th पास हमने जोशी मट्टी से करा है, लेकिन कॉलेज के लिए हम गोपेश्वर गए। तो गोपेश्वर गए तो उसके बाद हमको गोपेश्वर में पढ़ाई के साथ साथ हमको आर्ट मिल गई थी, जो मैं बोल रहा था कि सौरभ जोशी की वीडियो देख करके हमको आर्ट मिल गया था, और हमने उसी पे लगभग 1.5 साल उसी पे काम करा। तो उस पे काम करा, धीरे धीरे ब्लॉग के बारे में पता लगा, तो धीरे धीरे ब्लॉग भी बनाते रहे, और पता ही नहीं लगा कि हमारी 400 वीडियोस कब हो गई। तो ऐसे ही बन गई, मतलब ऐसे ही रैंडमली बन गई। जो लोग इस फील्ड में नहीं आना चाहते हैं, ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, उसको क्या सजेस्ट करोगे?
बस यही सजेशन करेंगे यार, अगर आप लोगों को सीरियसली अगर इस फील्ड में आना है तो आप लोगों को अगर उस तरह का सपोर्ट नहीं भी मिलता है तो आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने काम पे फोकस करना है, अपनी मेहनत पे फोकस करना है। और वो दिन दूर नहीं है यार जिस दिन आपको मतलब आप एक अच्छे खासे ब्लॉगर बन जाए। तो वैसे अभी हमको भी ज़्यादा कुछ मिला नहीं है, ना ही हमारा जो सब्सक्राइबर बेस है वो कुछ ज़्यादा हुआ है, लेकिन उम्मीद है यार अगर काम करेंगे तो एक दिन ज़रूर हो जाएगा। तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट, अगर कोई यूट्यूब पे नया आना चाहता है तो सीरियस हो करके आएँ, बाकी केवल पैसे इस मकसद से ना आए कि इस यूट्यूब में बहुत पैसा है या कुछ और आपके कोई कारण हो सकते हैं। लेकिन अभी लाइन भी तो बहुत लंबी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देख ही रहोगे यार आप लोग, हर मतलब हर घर से ब्लॉगर बन रहा है, हर घर से, चाहे वो पहाड़ हो चाहे वो शहर हो। अब मतलब बढ़िया है, एक तरफ से ये बढ़िया चीज़ भी है, जो कम्युनिटी है हर किसी की थोड़ा बहुत थोड़े बहुत हो जाएगी, तो आपस में मिलजुल करके हर किसी का बेड़ा पार होने वाला है। और आपके घर से एक नए ब्लॉगर आने वाले फिर अब हमारे घर से तो। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को भैया जी के चैनल पे बता देते कि हमारे घर से एक नई ब्लॉगर आने वाली है, हमारी भाभी जी और सैलिस भाई, उन दोनों का एक चैनल आने वाला है जिसमें कि उनके व्लॉग और उनकी लाइफस्टाइल, उनके क्या हम सभी की, तो वो लाइफस्टाइल व्लॉग उस पर भी आने वाला है, थोड़ा उस पर काम चल रहा है। थोड़ा सा ना भाभी जी को कैमरा पकड़ना वो उतना कम्फर्टेबल नहीं हो रहा है, तो अभी कैमरा पकड़ना सीखना है, उसके बाद बहुत जल्दी आप लोगों के लिए व्लॉग आने वाला है। तो आप लोग इंतज़ार करिए, हमारे साथ साथ एक और ब्लॉगर हमारे घर से आने वाला है। मैं ब्लॉगिंग से संबंधित एक बात और कहना चाह रहा था कि सैलेश भाई को आपने कभी ऐसा नहीं कहा कि आपकी इतनी सुंदर आवाज़ है, प्यारी आवाज़, क्योंकि जब मैं और सैलेश कॉलेज में थे, क्योंकि हमने कॉलेज में काफ़ी टाइम साथ गुजारा है, मुझे पता है ना उनकी आवाज़ कैसी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने उनसे कभी ये कहा नहीं कि आप भी एक सिंगिंग से रिलेटिव कोई चैनल खोलो? वैसे सिंगिंग से वगैरह हमारी आपस में बातचीत वगैरह कुछ होती नहीं है, बस ऐसी मस्ती मजाक में हम थोड़ा बहुत अपने एंजॉय के लिए थोड़ा बहुत गा देते हैं, थोड़ा बहुत हम भी गाते हैं, थोड़ा बहुत हमारे सैलेश भाई भी गाते हैं। और सैलेश भाई की वैसे बहुत बढ़िया आवाज़ है, हम उनको स्कूल के टाइम से देखते हैं, स्कूल में बहुत अच्छा गाते थे, कॉलेज में भी बहुत अच्छा गाते थे, और शायद जो भी उनके दोस्त लोग हैं वो बहुत अच्छा उनको पसंद करते थे उनकी आवाज़ के लिए। और आज तक हमने उनको कुछ बोला नहीं है, हमको लगा कि यार अगर अब होता है यार, मतलब मैं बोल नहीं सकता ना यार, क्योंकि मैं भी आपस में गुनगुनाता रहता हूँ, उसके सामने मैं भी नहीं गाता हूँ, वो भी मेरे सामने नहीं गाता, मतलब सीरियस हो करके मस्ती मजाक में तो किसी के सामने भी हो जाता है। अगर सैलेश भाई ये वीडियो देख रहा हो तो सैलेश भाई जरूर विचार करना जो मैंने कहा है। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, जरा सोचना इस बारे में, ब्लॉगिंग में कितनी मेहनत लगती है। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की बात करें तो अगर आप सीरियस हो करके ब्लॉग कर रहे हो तो ब्लॉगिंग में बिल्कुल भी उतना ज़्यादा एफर्ट तो लगता है, लेकिन उतना ज़्यादा आप लोगों को लगेगा नहीं, क्योंकि आप दिल से काम कर रहे हो, आपको मतलब एक तरह से पैशनेटेड हो आप उस काम के लिए, तो आप लोगों को उतना ज़्यादा हार्डवर्किंग नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप लोग ज़बरदस्ती ऐसा देख रहे हो कि भाई सारे लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं हम भी ब्लॉगिंग करते हैं, तो उस टाइम पर आपकी बहुत ज़्यादा आफत आने वाली है, क्योंकि उसमें एडिटिंग वगैरह देखना पड़ता है, अपनी टाइमिंग वगैरह देखनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम केवल ब्लॉग ही ब्लॉग बनाते हैं, घर का काम भी करते हैं, घर के काम के साथ साथ ब्लॉगिंग देखना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में थोड़ा कैमरा फेस करने में थोड़ा सा आफत आती है, अगर आपका कॉन्फिडेंस स्कूल से बढ़िया है तो आपकी बिल्कुल भी आफत नहीं आएगी, बहुत ईजी आप लोगों को लगेगा। बाकी थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह सीखनी है और सीखते रहना है, जो जो आप लोगों को अच्छे ब्लॉगर लगते हैं उनको देखते रहो और उनसे सीखते रहो, जैसे जैसे आप लोग सीखोगे आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप लोग इसमें मेहनत भी कर रहे हो। तो यही है कि मेहनत वालों के लिए मेहनत तकता है और मेहनत न करने वालों के लिए तो तब क्या ही बताएं। कभी मन में ऐसा ख्याल आए कि मतलब ब्लॉगिंग से कुछ हो नहीं रहा, व्यूज़ बढ़ नहीं रहे, कि यहीं पर छोड़ दो? ऐसा तो हर बार ख्याल आता रहता है, क्योंकि अभी हमारी कोई ऐसी YouTube से अभी हमको कुछ ऐसा कुछ मिला तो है नहीं, ना ही अभी हमारी फ़र्स्ट पेमेंट आई है, और पिछले 2 साल से हम काम कर रहे हैं। तो जब जब थोड़ा सा व्यू बहुत ज़्यादा डाउन चले जाता है तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत ख्याल आता रहता है कि भाई इसकी जगह हम कुछ और चीज़ ट्राई कर लेते हैं, लेकिन यार ऐसा है कि धीरे धीरे अगर 1-2 दिन हम नहीं बनाते ना तो उसके बाद मतलब ऐसा लगता है कि यार क्या छोड़ रहा हूँ मैं जो मैं भी नहीं कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे वो अपने आप ही फ़ोन हाथ पे आ जाता है, अपने आप ही व्लॉग बन जाता है, तो आदत बन चुकी है ना, तो अब ज़्यादा वैसा कुछ लगता है नहीं। ब्लॉगिंग से संबंधित गांव वालों और परिवार वालों का सपोर्ट कितना रहता है आपके साथ? वैसे तो परिवार वालों का तो सपोर्ट बचपन से ही, हर चीज़ में जो कुछ भी करो परिवार वालों का तो फुल सपोर्ट रहता है उनकी तरफ से, तो भाई तुम कुछ भी करो, बस ये है कि हमारा नाम नहीं डूबना चाहिए, जो भी करो अच्छा करो, लेकिन करो,
बाकी गांव की बात करें तो गांव में ऐसा तो है नहीं कि हर किसी की मेंटेलिटी एक जैसी हो। सही। बहुत सारे लोग मोटिवेट भी करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि भाई इस पे कुछ काम धाम नहीं है, ये सोच गाइज वगैरह करता रहता है, गाइज गुज लगा रहता है 24 घंटे कैमरे पे, इस पे मतलब कैमरे के अलावा फ़ोन के अलावा कुछ काम नहीं है इस पे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, जो आपको मोटिवेट करते हैं उन पर ध्यान दो और उनको सुन करके आगे बढ़ो। वो जिस तरह से आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। जो आप लोगों को कुछ बोल रहे हैं, जो आपके हेटर्स वगैरह, हेटर्स होते नहीं हैं लेकिन हम लोग अपने दिमाग में हेटर्स बना देते हैं। अगर कोई बुरा भी बोल रहा है ना तो उसको एक तरफ से पॉजिटिव वे में लो और अपनी वीडियो में उसको डालो। अभी तक का सबसे अच्छा दोस्त जो समय समय पर आपको एडवाइस भी देता, ऐसा कोई? ऐसा तो नहीं यार, दोस्त जितने भी अभी तक बचपन से जितने भी दोस्त हुए हैं वो सारे मतलब बहुत बेस्ट है यार, सबसे बेस्ट है। बाकी सबसे बेस्ट तो अपना सैलिस भाई ही है यार, क्योंकि बचपन से वो अपना दोस्त भी है, अपना भाई भी है, जो भी है सबसे मेन सैलिस भाई। तो मेरा अगला क्वेश्चन रहा, कभी आपने सोचा कि चमोली के जितने भी ब्लॉगर हैं, चमोली की बात कर रहे हैं केवल, कि कभी एक साथ कोई ट्रिप पे चलें, साथ में मतलब मीटअप टाइप का करें, कभी सोचा आपने? वैसे तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि सारे यूट्यूबर एक साथ मिल करके कभी इस तरह से कोई ट्रिप पे जाए, वीडियोस वगैरह बनाएं, ऐसा कि कभी मौका मिलता है तो ज़रूर हम ये चीज़ ज़रूर करेंगे। लेकिन इस चीज़ का मन ज़रूर करता है कि जो भी अपने दोस्त लोग हैं, दोस्त लोग आपस में मिल करके एक मस्त सा ट्रिप मारें और मस्त इन्जॉय करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा मज़ा आता है, ये सबसे मेन चीज़। तो मेरा लास्ट एंड आखिरी क्वेश्चन रहा, भविष्य बद्री कब आने वाले? भविष्य बद्री आएंगे हम, एक भविष्य बद्री में एक होता है, क्या होता है, जन्माष्टमी मेला, शायद उस टाइम पाएंगे क्योंकि उस टाइम पर रौनक बढ़िया रहती है ना। बाकी वैसे आना जाना होता रहता है लेकिन भैया जिसे मुलाकात नहीं होती है, तो अब मुलाकात समझ लो पहली बार हो रही है, मुलाकात पहली वो बार भी हो रही है सीधे राजेश भाई के इंटरव्यू से। अब वैसे ना भैया जी को हम बहुत पहले से जानते हैं, भैया जी कॉलेज रहते थे, हम स्कूल रहते थे, भैया जी शैलेश भाई के दोस्त थे, तो उसी टाइम से हम भैया जी को जानते हैं, भैया जी हमको जानते हैं। लेकिन जब से हमने ब्लॉग स्टार्ट करा है तब से हम पहली बार मिल रहे हैं और पहली बार में ही आप लोगों के साथ ब्लॉग आ रहा है, वीडियो इंटरव्यू वगैरह सब कुछ आ रहा है। और इसी के साथ सवालों का सिलसिला हुआ समाप्त। अगर आपको राजेश भाई के ब्लॉग, वैसे आप लोग पसंद करते हो मुझे पता है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं ज़रूर ज़रूर राजेश भाई को भी फॉलो करें, देखें, क्योंकि इन्होंने ना मतलब जो उत्तराखंड की संस्कृति है, जो गांव में चाहे देवी देवता से संबंधित हो, कोई भी चीज़ इतने अच्छे तरीके से दर्शाया है ना, शायद कोई चमोली में ऐसा ब्लॉगर ना हो मेरे हिसाब से। थैंक यू सो मच भैया। और बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि अभी तक चना वैली, वहाँ भी आपने कहीं ट्रिप करे हैं, वहाँ भी आपने उसे वर्ल्ड मैप पे समझ लो दर्शा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी अच्छी चना वैली आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस होने वाला है, हम लोगों का यही प्रयास है और हम लोग एक दिन करके रहेंगे, मतलब एक दिन चना वैली एक टूरिस्ट प्लेस, सबसे बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस बन के रहेगा। तो आप लोगों को अगर चना वैली आना तो चना वैली भी आप लोग आ सकते हो, अगले साल से अब वहाँ की जो वो है यात्रा है वो स्टार्ट हो जाएगी। और आपने देखा होगा ना, ये मतलब चाहे कहीं भी हो घर में भी बहुत ही हार्ड वर्किंग है, चाहे ये हो शैलेश भाई हैं, मतलब शैलेश भाई को तो पहले से जानते, काफ़ी अच्छे जो कॉलेज टाइम से हम दोस्त हैं, काफ़ी अच्छे मित्र हैं, और शैलेश भाई की वाइफ है सुमन, वो भी कॉलेज पढ़ती थी, काफ़ी अच्छे से मतलब उनके साथ जान पहचान है। और इनकी फैमिली देखी होगी ना आपने, कि बोलते ना भगवान ने कुछ अलग ही बनाया है। सही, बहुत बहुत धन्यवाद कसम से, जो इनकी फैमिली में जो प्यार है ना, शायद ही कोई फैमिली हो वैसे, हमारे पूरी फैमिली की तरफ से भाई को बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और एपिसोड को यही भी करते समाप्त, अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को इतना शेयर कर दो ना, फैला दो मतलब जहाँ तक फैला सकते हो फैला दो। और बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और राजेश भाई से अब मिलते रहेंगे, कहीं ट्रिप पे होगा वहाँ जाना होगा तो बिल्कुल बिल्कुल वहाँ भी मिलते रहेंगे, क्योंकि अब ऐसा ना जानते तो पहले से लेकिन वीडियो पहली आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और अब आती रहेगी। और इसी के साथ टाटा बाय बाय एंड सी यू।